ये वीडियो बनाने का उद्देश्य जानकारी पहुंचाना है, ना कि ज्यादा पेमेंट दिखाना है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तुम्हारा भाई भी एकदम मस्त है और ले आया है एक नया वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने भाई को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये वीडियो है सैलरी स्लिप जो आपको मिलती है स्टेशन मास्टर को, तो ऐसा कुछ वीडियो है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि उसको कितनी पेमेंट मिलती है और मैं खुद अपनी पेमेंट की स्लिप दिखाऊंगा आपको कि मेरे को प्रेजेंट में कितनी मिल रही है। और जो उसका 35,400 जो बेसिक चल रहा है वो है, वो तो आपको पता ही है। और डी ए 38% है और नाइट ड्यूटी अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस टी ए है ना, ट्रैवलिंग अलाउंसेस एच आर ए जो भी उसको मिलता है प्रेजेंट में वो मैं आपको बताऊंगा। और बेसिक के हिसाब से होता है, जैसे आएगा आपका बेसिक बढ़ेगा उसी हिसाब से आपका एच आर ए भी बढ़ेगा, डी ए भी बढ़ेगा और जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं वो सब इंक्रीज होंगे, सब बढ़ेंगे। और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि एक मेरे भाई ने, मैं साइड में दे दूंगा, एक भाई ने कमेंट किया था कि भैया आप इस पर बनाए वीडियो, तो बस ये वीडियो आ रहा भाई। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने भाई को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पे नए हो तो अपने भाई को सब्सक्राइब करना ना भूलो भाई। तो बस चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई मैं इसके लिए अपनी फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लेता हूँ। तो और इसके लिए अपन को चलना पड़ता है, एक ऐप है जिस पे अपन लोग जाते हैं, चलते हैं रेस में चलते हैं। तो जैसे अगर कई लोग अगर स्टेशन मास्टर और किसी भी रेलवे डिपार्टमेंट में अगर वर्क करते हैं तो उनको तो इसका पता ही होगा। और कोई नए व्यूअर्स हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं और जो अभी अभी रेलवे एम्प्लॉय बने हुए हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, तो अपने भाई की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। तो चलो भाई जल्दी से रेस भी इंस्टॉल कर लो, इसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो मैं आपको इसकी स्लिप दिखाता हूँ। तो देखो ये आ गया मेरा सैलरी और बायोडाटा जो भी इनकम टैक्स का है सब मैं दिखाऊंगा, ये ऊपर दिखा रहा होगा। कुछ जो ज़रूरी चीज़ें जो मतलब कि नहीं होंगी मैं उनको हटा दूंगा। तो बस अपन सैलरी वाले में चलते हैं। देखो सैलरी वाले ऑप्शन पे आ गए, 11वें महीने का दिखा रहा, मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। और देखो भाई ये सब मेरा नाम आ चुका है, डेजिग्नेशन और जो मेरा नया पे रेट जो अभी दिखा रहा है 43,600 दिखा रहा है जो बेसिक है। जो मेरा डीएनएस अलाउंस जो मेरे को मिला है 13,568 मिला है। हाउस रेंट जो मिलकर मेरे को मिलता है 39,224 जो मैं मिलता है। और वैसे भी ये एचआरए जो मिलता है जो तीन क्लासेस इसमें बांटा गया है एक्स वाई जेड उसके हिसाब से मिलता है, मेट्रो नॉन मेट्रो और रूरल एरिया। तो भाई मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, जो एचआरए अलाउंस है वो आपको तभी मिलेगा जब आप रेलवे क्वार्टर का यूज़ नहीं करते हैं। अगर इनकेस अगर आप रेलवे क्वार्टर में रहते हैं तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। तो जो 7th पे कमीशन में अपनी बात हुई थी तो उसमें ये बताया गया था कि आपका अगर डीए जो है आपका 25% से ऊपर इंक्रीज हो जाता है तो फिर उस हिसाब से आपका एचआरए जो है एक्स को 27%, वाई को 18% और 9% जेड को मिलेगा। इसी तरह से अगर वो 50% डीए इंक्रीज हो जाता है 30%, 20% और 10% आपको एचआरए दिया जाएगा। तो एचआरए की तो बात ये हो गई बॉस। और एचआरए जो है 5400, 3600 और 1800 से तो बिल्कुल कम नहीं होगा एक्स वाई जेड श्रेणी के लिए। 38,367 रुपये जो बना हुआ है ओवर टाइम और नाइट ड्यूटी जहाँ पे हुई है, तो इनका व्यू डिटेल में भी आप देख सकते हैं किस किस पीरियड का होता है, वो आपको दिखाएगा कि इस पीरियड में इतनी बनी उतनी बनी है। और नाइट ड्यूटी जो मिली हुई है मेरे को देख सकते हैं। और नेशनल हॉलीडे जैसे नेशनल हॉलीडे का 630 रुपये बना है। ट्रैवलिंग अलाउंस जैसे मैं ये ईब में है नाइट ड्यूटी पर गया था तो ये उसका है, तो उसका मेरे को 14,160 रुपये मिला है। तो आप देख सकते हैं। और डिडक्शन जो हो रहा है वो रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम जो 30 रुपये उसका कटता है वो है मेरा जो LIC पॉलिसी मेरी एक जो चलती है बिलासपुर से वो कट रही है, दो पॉलिसी उसमें जुड़ी हुई है। और ये सब जो अपना पर्सनल डिडक्शन है वो सब भी इसमें दिखाता है। और न्यू पेंशन स्कीम है NPS की तरह, न्यू पेंशन स्कीम जो चलती है उसका 6,017 रुपये मेरा जो कट रहा है। और इनकम टैक्स जो कट रहा है 36,766 रुपये। अर्बन बैंक से मैंने एक लोन लिया था, ये मेरा पर्सनली है तो वो कट रहा है मेरा 14,520 रुपये। और अर्बन बैंक की जो मेंबरशिप, हम लोग के यहाँ बिलासपुर डिवीज़न में एक अर्बन बैंक चलता है तो उसमें लोन के लिए अप्लाई करते रहते हैं, तो बस वही है। तो
हफ्ते मैंने मेंबरशिप ले के रखी। हम लोग के यहाँ जनरली बिलासपुर डिवीजन में जो भी रहते हैं ज़्यादातर लोग अर्बन बैंक से मेंबरशिप लिए हुए रहते हैं, तो 800 रुपये उसका कट रहा है और ये समरी दिखा रहा है ना, ये 30 दिनों की मेरे को पेमेंट मिली हुई है जिसका ग्रॉस जाता है 1,26,652 और डिडक्शन हो जाता है 62,095 रुपये, नेट पे 64,557 रुपये। जो टीए मिलता है ट्रैवलिंग अलाउंस, जो हम लोग किसी अदर स्टेशन में जाके ड्यूटी करते हैं अपना हेडक्वार्टर छोड़ते हैं, तो 800 रुपये एक दिन के हिसाब से मिलता है। तो एक चीज़ वो हो जाती है जो उसमें जुड़ा हुआ दिखा रहा है, क्योंकि मैं हेडक्वार्टर से दूर गया था एनआई के लिए, तब का वो है जो दिखा रहा है 14,000 के जो लगभग। और जो ओटी का मैं बता रहा हूँ, ओटी का जो होता है एक घंटे का लमसम 280 रुपये समथिंग मिलता है। तो इस तरह से जो ओटी हम लोग के स्टेशन में हो जाती है, तो उसका मैंने ये मिला हुआ है जो मेरे को जो मैं दिखा रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छी इनकम हो जाती है बॉस। और इनकम टैक्स भी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, इनकम होती तो इनकम टैक्स भी देना पड़ता है, तो कोई बात नहीं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर कोई चीज़ मिसिंग हुई हो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर आपको रिप्लाई दूंगा। तो बस जाते जाते बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।